जो इन्फिनिक्स ने अपना जहाँ पे नोट 40S 5G जो एक नया फोन जो यहाँ पे कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, इसमें हमको इतने ज्यादा कम प्राइस पॉइंट पे 12 GB की रैम मिल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा एक अच्छी बात है। बाकी और भी फीचर्स के काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A15 5G की बात करें तो सैमसंग का तो हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में तो नंबर वन ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन देखना यह है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं इसके कलर्स ऑप्शन से। तो फिर आपको दोनों ही फोन में अच्छे यहाँ पे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन जो लुक एंड डिजाइन है वो इन्फिनिक्स का बेटर है। पहली बात तो जो आईफोन का प्रो मॉडल है कुछ उससे आप इंस्पायर है, और यहाँ पे सेल्फी भी आपको यहाँ पे सेंटर पंच होल टाइम मिल जाती है। सैमसंग में आपको काफी ज्यादा एक ओल्ड लुक आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात कीजिए इसमें फिजिकल ओवरव्यू की, तो फिर यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी काफी बेसिस मिलती है पॉलीकॉर्बेट, यानी कि आपको एक तरह की प्लास्टिक की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इन्फिनिक्स में अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे सभी कलर ऑप्शन में आपको मैट फिनिश मिल जाती है। सैमसंग में आपको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश मिलेगी। वैसे मुझे यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश इतनी ज्यादा पसंद नहीं, आपको क्या पसंद है आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी दोनों ही फोन में आपको ट्रिपल यानी कि तीन कैमरे का आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स में तो वही आईफोन का जो प्रो मॉडल है उससे इंस्पायर है, और सैमसंग में आपको सैमसंग की जो गैलेक्सी डिजाइन होती है वही आपको देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे इन्फिनिक्स में आपको फ्लैट एजेस के साथ साथ प्लास्टिक के फ्रेम मिलते हैं, सैमसंग में आपको हल्के से कर्व एजेस मिल जाएंगे और प्लास्टिक के फ्रेम देखने को मिलेंगे। ब्रांडिंग भी काफी छोटी सी यहाँ पे की गई जो कि काफी सही लग रही है। तो लुक एंड डिजाइन के बारे में मुझे इन्फिनिक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए इसमें थिकनेस ऑफ वेट की यानी कि फॉर्म फैक्टर की, तो फिर यहाँ पे जो इन्फिनिक्स वाला फोन है थोड़ा सा पतला भी है, थोड़ा सा हल्का भी है एज कंपेयर टू सैमसंग वाला फोन, और सैमसंग वाला फोन आपको काफी ज्यादा बल्कि आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो इन्फिनिक्स में आपको सभी कंटेंट मिल जाता है। बैक कवर मिल जाता है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको इन बॉक्स मिल जाएगा, ईयरफोन्स नहीं मिलते, स्क्रीन गार्ड भी आपको प्री अप्लाई मिल जाता है। सैमसंग में आपको बैक कवर चार्जर सब कुछ भी आपको इन बॉक्स में नहीं मिलेगा, बस खाली एक टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाएगी, सिम ट्रे इजेक्टर पिन देखो मिल जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ पे बैटरी बैकअप चार्जिंग की बात की जाए तो फिर आपको यहाँ पे इन्फिनिक्स में 5000 mAh की जो बैटरी है वो तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी आपको इन बॉक्स मिल रहा है। सैमसंग में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन वही बात है कि चार्जर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ही फोन का जो बैटरी बैकअप है काफी ज्यादा यहाँ पे सही रहने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पे दिन में सुबह अगर फोन चार्ज करेंगे और आपका अगर फील्ड वर्क भी होता है तो भी ये फोन दिन भर यहाँ पे टिक जाएंगे, लेकिन उस मामले में सैमसंग थोड़ा सा और भी ज्यादा यहाँ पे बेटर आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए इसमें कैमराज की, तो फिर आपको इन्फिनिक्स में 108 MP का हाईर रेजोल्यूशन वाला आपको यहाँ पे मेन कैमरा मिलता है। बाकी आपको यहाँ पे 2 MP के मैक्रो डेप्थ कैमरा भी आपको देखो मिल जाएंगे। सैमसंग की बात करें तो यहाँ पे 50 MP का जो मेन कैमरा वो मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 5 MP का आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखो मिल रहा है, और 2 MP का आपको यहाँ पे भी मैक्रो लेंस आपको देखो मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वीडियो शूट की बात करें तो फिर यहाँ पे इन्फिनिक्स में आप लोग यहाँ पे 2K तक की यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सैमसंग में आप लोगों को खाली फुल एचडी तक की खाली ऑप्शन मिलता है। सेल्फी की बात करें तो फिर आपको यहाँ पे इन्फिनिक्स में सेल्फी में काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मिलता है, सिर्फ 8 MP की सेल्फी मिलती है, लेकिन यहाँ से भी आप लोग 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सैमसंग में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 13 MP का आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिलता है, और यहाँ पे लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे फुल एचडी तक की खाली ऑप्शन मिलता है। तो फिर अफानी बात आती है कि यहाँ पे कैमरे के लिए कौन सा फोन लिया जाए। डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सैमसंग की तरफ जाइए, हालांकि यहाँ पे 50 MP का मेन कैमरा है, 13 MP की सेल्फी है, और यहाँ पे आप लोग 2K तक की भी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सैमसंग का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। इन्फिनिक्स का भी ठीक है, लेकिन सैमसंग के मुकाबले उतना ज्यादा आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। सैमसंग में आपको यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज है, एक्सपोजर बैलेंस है, वो आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए इसमें डिस्प्ले की, तो फिर आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो यहाँ पे दोनों ही फोन की अच्छी है। जैसे कि यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स में काफी ज्यादा यहाँ पे बड़ा साइज आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल है, और सैमसंग में आपको थोड़े से छोटे साइज का फोन मिलता है, लेकिन यहाँ पे फुल एचडी के साथ साथ आपको सुपर एमोलेड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो एमोलेड की जो क्वालिटी वो आईपीएस एलसीडी पैनल आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसमें कलर्स काफी ज्यादा यहाँ पे पंची यहाँ पे निकल के आते हैं, जैसे रेड आपको काफी ज्यादा आपको यहाँ पे रेड देखने को मिल जाएगा, ब्लैक भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे एकदम ट्रू ब्लैक जो होते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो फिर आपको इन्फिनिक्स में पैंडा ग्लास की मिल जाती है, सैमसंग में आई थिंक यहाँ पे कॉर्निंग ग्लो ग्लास 3 की हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें तो फिर इन्फिनिक्स में आपको 120Hz का मिल जाता है, सैमसंग में आपको सिर्फ 90Hz का मिलता है। तो फिर अगर आपको गेमिंग के लिए एक अच्छा फोन चाहिए तो फिर इन्फिनिक्स उसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा सही रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पे इन्फिनिक्स की इतनी ज्यादा बेटर नहीं है, सिर्फ 500 की है। तो फिर जो आउटडोर विजिबिलिटी जो कि धूप वाला एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा बढ़िया नहीं रहने वाला है, लेकिन सैमसंग में आपको 800 तक की ब्राइटनेस मिलती है। तो फिर यहाँ पे जो धूप वाला एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे सही रहने वाला है, धूप में भी आपको सबको दिखाई देगा डिस्प्ले में। बाकी यहाँ पे इन्फिनिक्स में एक फीचर अच्छा मिल जाता है कि यहाँ पे जो मैजिक रेंज है वो आपको देखो मिल जाएगा। जैसे कि आईफोन में हमको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड जैसा फीचर नहीं मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा। तो फिर अगर आपको यहाँ पे गेमिंग के लिए एक अच्छा फोन चाहिए तो इन्फिनिक्स सही है, अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको वीडियोस ज्यादा वॉच करने तो फिर यहाँ पे सैमसंग उसके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे सही रहने वाला है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए इसमें परफॉर्मेंस की,
तो फिर आपको दोनों ही फोन्स में मीडियाटेक डायमेंसिटी वाली चिपसेट देखने मिलती है, लेकिन इनफ्रीज में आपको 6300 मिल जाएगी और सैमसंग में आपको यहाँ पे 6100 प्लस आपको देखने मिल जाती है। दोनों 6 NM वाली ऑक्टा कोर स्कोर भी आपको ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी देखा जाए तो इनफ्रीज वाली चिपसेट यहाँ पे सैमसंग के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। हालांकि आपको रियल लाइफ में उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे नोटिस नहीं होगा कि कौन सी चिपसेट यहाँ पे बेटर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑन पेपर अगर देखा जाए तो इनफ्रीज वाली चिपसेट थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। तो फिर अगर आपको गेमिंग के लिए एक अच्छा फोन चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इनफ्रीज की ही तरफ जाइए। इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए मैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में तो सैमसंग को कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे वन यूआई देखने मिल जाता है एंड्रॉइड 14 पे है। इसमें जो हमको फीचर्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया है और यहाँ पे आपको नॉक सिक्योरिटी, सिक्योर फोल्डर, मतलब आपको जो डेटा है वो काफी ज्यादा यहाँ पे सिक्योर रहने वाला है। बाकी एंड्रॉइड 14 पे फोन लॉन्च हुआ, एंड्रॉइड 18 तक की अपडेट्स आएंगे, 5 साल तक की आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। इन्फिनिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सओएस मिलता है एंड्रॉइड 14 पे है। बाकी यहाँ पे अपडेट्स को लेकर के ज्यादा बात नहीं करते लोग, बस खाली 1 साल का अपडेट मिलेगा आपको एंड्रॉइड 15 आपको इसमें देखने मिल जाएगा, इसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए डेफिनेटली यहाँ पे सैमसंग की तरफ जाइए। इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए इसमें कुछ और मॉडल फीचर्स की, तो फिर आपको दोनों में साइड मॉडल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस लॉक ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट मिल जाता है। सिम ट्रे जो है वो इन्फिनिक्स की थोड़ी सी ज्यादा बेटर है, क्योंकि 3 स्लॉट वाली है। बाकी 5G बैंड आपको सैमसंग में थोड़े से ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स में आपको 2 स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, सैमसंग में आपको 1 ही स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा। और जो NFC का सपोर्ट है आपको इन्फिनिक्स में मिलता है, आपको यहाँ पे सैमसंग में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए इसमें कुछ और मॉडल फीचर्स की, तो फिर आपको यहाँ पे जो इन्फिनिक्स में जो रैम और रॉम का जो टाइप है इतने ज्यादा कम प्राइस पॉइंट पे आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखो मिल जाता है, लेकिन सैमसंग में वही है कि 4 है 6 है, जो कि काफी ज्यादा आउटडेटेड भी लगने लगा है। इसके बाद फाइनली बात की जाए यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। देखिए मतलब अगर आपको गेमिंग के लिए एक अच्छा फोन चाहिए तो फिर आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली इन्फिनिक्स की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फीचर्स मिलते हैं, ज्यादा रैम मिल जाती है, 120Hz का डिस्प्ले, थोड़ा सा बेटर आपको यहाँ पे मतलब जो परफॉर्मेंस वो आपको देखने मिल जाती है, लुक एंड डिजाइन भी इस वाले फोन का काफी ज्यादा सही है। लेकिन अगर यहाँ पे सैमसंग की बात करें तो फिर यहाँ पे सैमसंग वाला फोन आप लोग यहाँ पे तभी बाय कीजिएगा जब आपको यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे सिक्योरिटी वाला फोन चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है इसका थोड़ा सा बेटर है, और यहाँ पे जो कैमराज है वो भी आपको यहाँ पे थोड़े से ज्यादा अच्छे देखने मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को एक लाइक जो कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।